गाजीपुर का मशहूर शम्मे हुसैनी अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर को आखिरकार ढहा ही दिया गया। यह अस्पताल बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी मोहम्मद आजम ने बनवाया था। प्रशासन ने अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर को पूरी तरह अवैध पाया था। अस्पताल प्रबंधन प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कहीं से शरण नहीं मिली और एक बार फिर मुख्तार की हनक पर जेसीबी चला दी गई। शनिवार को सुबह ही जिला प्रशासन पुलिस फोर्स के साथ अस्पताल को गिराने के लिए पहुंच गई। भारी मशीनों ने देखते ही देखते कब्जे के इस बुलंद इमारत को जमींदोज कर दिया। असल में यह अस्पताल गंगा नदी के काफी नजदीक अवैध तरीके से बना दिया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार नदी किनारे 200 मीटर अंदर कोई निर्माण नहीं हो सकता। गाजीपुर के मास्टर प्लान के अनुसार जिस जमीन पर यह अस्पताल बना है उसका कॉमर्शियल प्रयोग भी नहीं हो सकता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद बड़ी लागत से इतना भारी भरकम अस्पताल खड़ा कर दिया गया था। शम्मे हुसैनी अस्पताल कई बीघे में बना हुआ था। लगभग 15 साल पहले इसका निर्माण किया गया था। प्रशासन ने जांच करके जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें उसने साफ किया है कि जब अस्पताल का निर्माण हो रहा था तो इस दौरान मानकों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। सदर एसडीएम प्रभाष कुमार ने 8 अक्टूबर को अस्पताल को ढहाने का आदेश दिया था। अस्पताल को खाली करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ अस्पताल प्रबंधन ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने अस्पताल प्रबंधन को सक्षम न्यायिक प्राधिकार में अपील करने को कहा। डीएम को इस आपत्ति को 10 दिन में निस्तारित करने का निर्देश मिला। गाजीपुर के डीएम एसपी सिंह ने 8 सदस्यीय बोर्ड गठित कर प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन के पक्ष को सुना। बोर्ड ने अस्पताल प्रबंधन की आपत्तियों को सही नहीं पाते हुए उन्हें खारिज कर दिया। इसके बाद शनिवार को प्रशासन पूरे लाव लश्कर के साथ शम्मे अस्पताल को गिराने पहुंच गया। वहां मौजूद कुछ महिलाएं इस कार्रवाई को देखकर रोने भी लगी। उनका कहना था कि अस्पताल मालिकों ने गरीब के लिए बहुत किया है। आदेश मिला, बाकी मालिक लोग के साथ इतना सपोर्ट किया, इतना गरीब आदमी को करते थे, इतना गरीब आदमी को क्यों किसी को दुआ नहीं लगी। हम लोग के साथ इतना मालिक किया कि क्या बताए। अभी 2 महीना पहले हमारे मुख्तार की हनक और दबंगई के खिलाफ महीनों से कार्रवाई हो रही है, लेकिन गाजीपुर में हुए इस एक्शन को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। इस दौरान एडीएम राजेश कुमार सिंह, सदर एसडीएम प्रभास कुमार, जमानिया एसडीएम सत्यप्रीर सिंह, जखनिया एसडीएम सूरज कुमार यादव, सीओ सिटी ओजस्वी चावला, सीओ सैदपुर राजीव द्विवेदी सहित जिले के 10 थानों की फोर्स मौजूद है। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।